हेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम इन ईवीसी चैनल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्रैक्शंस एंड वी विल लर्न व्हाट आर फ्रैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शन। कोई भी नंबर है और अगर वो ए अपॉन बी फॉर्म में है जहाँ पे ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इन अ फ्रैक्शन ए अपॉन बी, ए इज नोन एज न्यूमरेटर एंड बी इज नोन एज डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन होता है ए अपॉन बी फॉर्म में होता है, यहाँ पे जो ए की वैल्यू होती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो बी की वैल्यू होती है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। फ्रैक्शन को समझने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, वो दो नोट्स हैं, वो हम देख डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट है, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी कंप्लीट चीज़ का कोई भी एक पार्ट होता है। जैसे अगर फोर चिल्ड्रन हैं और एक एप्पल है, तो जो एक एप्पल है वो होल क्वांटिटी में आ गया और हमको क्या करना है, उस एप्पल को फोर चिल्ड्रन में इक्वली हमें डिवाइड करना है। तो जो एक बच्चे को जो पार्ट मिलेगा पूरे एप्पल का, वो आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। नंबर सेकंड इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं किसी फ्रैक्शन के, उसको हम टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 7/10 इज़ अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज 7 एंड डिनोमिनेटर इज 10। यहाँ पे 7/10 एक फ्रैक्शन दिया है, यानी ए अपॉन बी फॉर्म में लिखा हुआ है। जो ए की वैल्यू है 7, उसको हम न्यूमरेटर बोलेंगे और जो बी की वैल्यू है 10, ये उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो 7 हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो होगा वो 10 हो जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। नंबर फर्स्ट इज डेसिमल फ्रैक्शंस। अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स 10, 100, 1000, lakh एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। जब कोई फ्रैक्शन होता है और जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, यानी कि 10 का मल्टीपल जो भी उसमें डिनोमिनेटर होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, 7/10